हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मरीन वर्ल्ड में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आर्किटेक्चर कोर्स क्या है और इस कोर्स का अब्रॉड में कैसा स्कोप है। इससे जुड़ी सारी जानकारी मैं आप लोगों को आज के इस वीडियो में दूंगा। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आर्किटेक्चर कोर्स यानी कि बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर डिग्री, इस कोर्स में ह्यूमैनिटीज़, इंजीनियरिंग और एस्थेटिक्स जैसे पहलू शामिल हैं। यदि आप इस कोर्स में बैचलर डिग्री करना चाहते हैं तो इस कोर्स की अवधि 3 से 4 सालों की होती है। हालांकि कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसे भी हैं जहाँ पर इस कोर्स की ड्यूरेशन 5 सालों की होती है, जिसमें स्टूडेंट्स को बिल्डिंग के मॉडल को डिज़ाइन करना सिखाया जाता है। इसके अलावा आर्किटेक्चर कोर्स में युवाओं को ब्रिज और सड़क बनाने का भी काम सिखाया जाता है। वहीं इस कोर्स की पढ़ाई के लिए फॉरेन में कई सारी यूनिवर्सिटीज़, फेमस यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप से लेकर कैंपस सिलेक्शन की भी सुविधाएं उपलब्ध हैं। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर कोर्स क्या है। दोस्तों, इस कोर्स का मतलब बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर होता है, जिसमें स्टूडेंट्स को बिल्डिंग से लेकर ब्रिज और सड़क निर्माण की जानकारी दी जाती है। साथ ही घरों के डिज़ाइन के बारे में भी इन्हें बताया जाता है। ये कोर्स खासकर उन स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट है, जिनकी रुचि है। साथ ही स्टूडेंट्स को क्रिएटिव डिज़ाइनिंग करने में भी मदद मिलती है। इससे यूथ को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी प्रोफेशनलिज्म साबित करने का मौका मिलता है। दोस्तों, फॉरेन में आर्किटेक्चर कोर्स करने वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है। वहाँ पर बहुत अधिक बिल्डिंग बनाए जाते हैं, जिसकी वजह से फॉरेन में जॉब के कहीं ज़्यादा अवसर मौजूद हैं। दोस्तों, युवाओं के लिए आर्किटेक्चर कोर्स के बाद जॉब की काफ़ी संभावनाएं हैं। दुनिया भर में बढ़ती अर्बनाइजेशन, रिनोवेशन प्रोजेक्ट्स और कम्युनिकेशन के क्षेत्र में तेज़ी से विकास हो रहा है, जिसकी वजह से इस कोर्स की मांग बढ़ गई है। कुछ देशों में नई इमारतों के निर्माण काफ़ी ज़्यादा होते हैं, जिससे आर्किटेक्चर के क्षेत्र में प्रोफेशनल्स की मांग बढ़ती जा रही है। इसके अलावा कुछ अन्य महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में भी इस कोर्स में जानने को मिलता है, जैसे कि कल्चर, वहाँ की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मॉडर्न पर्सपेक्टिव इत्यादि। वहीं आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स के लिए स्किल्ड जॉब इन कैनाडा के बहुत ज़्यादा अवसर मौजूद हैं, जहाँ पर युवाओं के लिए हाई सैलरी पैकेज के साथ बेहतर लाइफ स्टाइल भी है। दोस्तों, आर्किटेक्चर इंडस्ट्री में लेटेस्ट डिजिटल टेक्नोलॉजी और सॉफ्टवेयर के यूज़ से काफ़ी बदला हुआ है। फॉरेन में इस कोर्स के अंतर्गत स्टूडेंट्स को डिज़ाइन और मॉडलिंग सॉफ्टवेयर के यूज़ की जानकारी दी जाती है, जो उन्हें इनक्रेडिबल और अट्रैक्टिव आर्किटेक्चरल डिज़ाइनिंग के लिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के यूज़ में मदद करता है। ये स्टूडेंट्स को सब्जेक्ट में एक्सपर्टीज़ हासिल करने में मदद करती है, जो उन्हें इंटरनेशनल लेवल पर नेम फेम दिलाती है। दोस्तों, इस कोर्स को करने के लिए अच्छी क्वालिटी की एजुकेशनल ट्रेनिंग होनी चाहिए, जिससे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पर हायर एजुकेशन प्राप्त कर सकें। दोस्तों, बात करें आर्किटेक्चर कोर्स करने के लिए ज़रूरी स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड होती है, तो इसके लिए स्टूडेंट्स को अलग अलग अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। स्टूडेंट्स को आर्किटेक्चर के क्षेत्र में अच्छा नॉलेज होना चाहिए। इस कोर्स को करने के लिए स्टूडेंट्स में लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए। यूथ्स को नए नए डिज़ाइन बनाने की कोशिश करनी चाहिए, और क्रिएटिविटी इस कोर्स के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इन स्किल्स को अपनाकर आप आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आप आर्किटेक्चर कोर्स करना चाहते हैं तो अब मैं आप लोगों को दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ के नाम बता देता हूं, जहां से आप आर्किटेक्चर का कोर्स कर सकते हैं। ये कोर्सेज हैं येल यूनिवर्सिटी, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो, यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन, इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ डर्बी, यूनिवर्सिटी ऑफ केंट, लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी, कैलिफोर्निया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया बर्कले और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। दोस्तों, ये कुछ दुनिया भर की टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप आर्किटेक्चर का कोर्स करके एक बेहतर भविष्य बना सकते हैं। दोस्तों, अब मैं आप लोगों को बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की पढ़ाई के लिए कुछ फेमस बुक्स के नाम बता देता हूँ, जिनका स्टडी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। ये बुक्स हैं डिज़ाइन लाइक यू गिव अ डैम, बिल्डिंग चेंज फ्रॉम ग्राउंड अप, 101 थिंग्स आई लर्न्ड इन आर्किटेक्चर स्कूल, आर्किटेक्चर फॉर्म स्पेस एंड ऑर्डर, यस इज़ मोर एन आर्कियोकॉमिक ऑन आर्किटेक्चरल इवोल्यूशन,
और पैटर्न लैंग्वेज, टाउन्स, बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन। दोस्तों ये कुछ बुक्स हैं जिनकी स्टडी करके आप इस सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं और सब्जेक्ट में आप योगदान दे सकते हैं। दोस्तों आर्किटेक्चर कोर्स करने के बाद आपको बेहतरीन जॉब के मौके मिलेंगे जिसमें अच्छा कैरियर बनाया जा सकता है। अब मैं आप लोगों को आर्किटेक्चर कोर्स करने के बाद कुछ जॉब प्रोफाइल्स के बारे में बता देता हूं जिनमें आपको फॉरेन में काफ़ी अच्छी खासी सैलरी मिलती है। दोस्तों अगर आप आर्किटेक्चर कोर्स करने के बाद अगर किसी कंपनी में बिजनेस एनालिस्ट बनते हैं तो फॉरेन में आपकी सालाना सैलरी लगभग 9 से 10 लाख रुपये होती है। अगर आप बिल्डिंग मैनेजर बनते हैं तो आपकी सैलरी लगभग 10 से 11 लाख रुपए सालाना होती है। अगर आप बिजनेस ऑपरेशन मैनेजर बनते हैं तो आपकी सैलरी 9 से 10 लाख रुपए सालाना पैकेज मिलती है। अगर आप सिविल इंजीनियर के तौर पर कार्य करते हैं तो आप 3 से 4 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। अगर आप कंट्रोल इंजीनियर के तौर पर काम करते हैं तो आप 2 से 3 लाख रुपये सालाना कमा सकते हैं। अगर आप साइट इंजीनियर बनते हैं तो आप 3 से 5 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। अगर आप इन्वायरमेंटल इंजीनियर बनते हैं तो आप 4 से 5 लाख रुपए सालाना कमा सकते हैं। दोस्तों अब मैं आप लोगों को आर्किटेक्चर कोर्स करने से रिलेटेड स्टूडेंट्स के द्वारा अधिकतर बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को आप लोगों के साथ एक एक कर डिस्कस कर देता हूँ। पहला सवाल है, क्या फॉरेन में आर्किटेक्चर कोर्स करना अच्छा है? तो जी हाँ दोस्तों, फॉरेन से आर्किटेक्चर कोर्स की पढ़ाई करना आपके लिए काफ़ी लाभदायक साबित हो सकता है क्योंकि फॉरेन में इस कोर्स के लिए काफ़ी अच्छा स्कोप है जहाँ पर आपको हाई सैलरी भी मिलती है और आपका लाइफ स्टाइल भी बेहतर होता है जिससे आप अपने परिवार की ग्रोथ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया कि आर्किटेक्चर कोर्स क्या है और एब्रॉड में इस कोर्स का कैसा स्कोप है, इसके बारे में मैंने आप लोगों को आज के इस वीडियो में डिटेल से बताया है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।